लीजिए, आप ही की पसंद का मसाला डलवा कर लाया हूँ। अब तो हम जा सकते हैं ना। एक बात बता सुमेर, ये तो इतने बड़े घर का छोरा है ना, ये मेरे लिए कभी कुछ नहीं लाता। इस पान के पैसे जगदीश ने दिए मास्टर जी। जाओ बेटा, जाओ ढूंढ जाओ, और सुनो, रोटी की घंटी बजने से पहले आ जाना, समझ गए? जाओ जल्दी जाओ जल्दी। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? कक्षा शुरू हो गई ना? जी, बस वो किताबें लेने। बैग लेकर? जी। अरे वो, अरे सर बस यहीं तक, वो स्टाफ रूम है तो मैंने कुछ वहां से कापियां मंगवाई थी। सर कापियां ज्यादा थी तो मैंने कहा बैग लेकर चली जाओ। इस तरह मुंह में पान ठूस कर आप विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे? विद्यार्थियों क्या शिक्षा देंगे आप? आपको खुद शिक्षित होने की जरूरत है। आप मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए मुंह साफ करके आइए, जाइए। नहीं चलना, अगर हेडमास्टर साहब ने दोबारा हमें कक्षा में नहीं देखा तो सीधा दाइसा को बोल देंगे। बहुत डरपोक है तू, तेरे कुछ नहीं हो सकता। बैठ जाओ बच्चों। तो बच्चों, परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है हेडमास्टर। शाबाश, मन लगा के पढ़ना, पिछले साल से ज्यादा नंबर आने चाहिए, ठीक है? जी मास्टर जी। देखो बच्चों, मेहनत से कभी घबराना नहीं, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, उसका फल हमेशा मिलता है। और हाँ, ये मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए, सही रास्ते पर चलना पड़ेगा तुम्हें। अच्छे बुरे, सही गलत के अंतर को समझने की कोशिश करना पड़ेगा। अनजाने में या नादानी कभी कोई भूल हो जाए तो उसे स्वीकार करने में कभी संकोच मत करना। अगर हमारे बड़े भी कोई भूल करते हैं तो उसे बताना हमारा कर्तव्य है, मगर ये ध्यान रहे कि हम अपनी मर्यादा का उल्लंघन न करें। बात समझ में आई बच्चों? जी मास्टर जी। अब तुम लोग पढ़ाई करो, तुम्हारे मास्टर जी आते होंगे। छोरी सोई जा, अभी किताबों से मत्था फोड़े है। आनंदी, इतनी रात गए कहां चली गई थी छोरी? आनंदी। आनंदी बेटा, तू सोई नहीं अभी तक? बापू साहब, मैं थोड़ी देर आप लोगों के साथ बैठ के पढ़ाई करूं। बेटा तू अपने कमरे में आराम से बैठकर
शांति से ध्यान लगा कर क्यों नहीं पढ़ते बापू साहब? वो क्या हुआ? वो मुझे ये गणित का सवाल समझ में नहीं आ रहा, अब समझा दोगे? अच्छा एक काम कर, बस दो मिनट रुक जा, मैं अपना एक काम खत्म कर लूं फिर तुझे समझा देता हूँ। तू बैठ यहाँ पे तब तक। ताली भली हो बे। तने हवेली भर में ढूंढती फिरूं और तू है तो जहां बैठी है मजे में। मासा आनंदी अभी आई है एक सवाल का हल जानने के लिए। बारे भैरों, खुद का छोरा कुंवर ओडोले है और पड़ोसियों के फेरे डलवावे। इसकी पढ़ाई की इतनी चिंता और जगदीश, कभी तो उसे भी साथ लेकर बैठ जाया कर। मासा आनंदी खुद यहाँ आई है और जगह को भी जब कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं उसे समझा देता हूँ। हाँ हाँ, पढ़ा लिखा के छोरे को कलेक्टर बना दिया ना तूने। चल छोरी, बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, अब चल जरा हमारे लिए अदरक की बढ़िया सी चाय बना दे। हे ईश्वर, सर बहुत बुरी तरह से दुख रो है, गर्मा गर्म चाह जावेगी ना भीतर तो आराम आ जावेगा। चल मासा, चाय मैं बना देती हूँ। ना सुमित्रा, तू रहने दे, मारी जीव को आनंदी के हाथ की चाह की आदत पड़ गई है, इसके हाथ की ना पीऊं तो संतोष ही ना आवे मने। आजा चल। मासा बस दो मिनट, मैं इसे सवाल का हल समझा दूं फिर इसे भेज देता हूँ। राजो हुओ रे भैरों, थारी भींदड़ी को एक सवाल थारी माँ के सरदर्द से भी बड़ो हो गयो। और तू अब तक जही खड़ी है? अरे माँ बेटे के बीच राड कर आवेगी क्या? चल चल ना चल। मासा मैं जानता हूं सुमित्रा मासा ये सब क्यों कर रही है, पर लाचार हूं। इस बच्ची से इसका बचपन, इसके सपने छिन रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। इस कच्ची उम्र में इसे बहू होने की जिम्मेदारी सौंप कर हमने बहुत बड़ा अन्याय किया है सुमित्रा इसके बचपन के साथ। बहुत चाव है आनंदी को पढ़ाई करने का, उसे अपना बचपन अपने माँ बापू के घर में ही गुजारना चाहिए था। इस तरह बात बात पर अपना मन तो न मारना पड़ता। सुंदर, मैंने कहा था ना नहीं चलता सुनरपुर, मैंने कहा था ना बारिश होने वाली है। अरे मुझे सब थोड़ी ना आया था कि आज इतनी बारिश होगी, बल्लू के गांव पहुंच जाते फिर हो जाती बारिश तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर भगवान जी को भी अपनी टंकी की टोंटी अभी खोलनी थी। देख सारी कॉपियां गीली हो गई है, ए भगवान सारी साई भी फैल गई है, एक अक्षर भी समझ में नहीं आ रहा, अब परीक्षाएं पास आने वाले हैं सुंदर, और मैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के ये सब लिखने बैठूंगा क्या? और इसमें कोई मुझे कॉपी भी नहीं देगा कि सब लिख के लिख लूं, अब कैसे होगा ये सब पूरा सुंदर? अरे तू इतना डरता क्यों है रे? डरूं नहीं तो और क्या करूं? तुझे पता अगर मैं अव्वल नहीं आया और आनंद जी के मुझसे ज्यादा नंबर आ गए तो ताई साहब मुझे हमेशा के लिए कोठरी बंद कर देंगे। सुंदर तूने तो कहा था ना कि कुछ भी करके तू मुझे परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर दिलवा देगा, तूने तो मरवा दिया मुझे यार। अरे कहा तो कहा, पक्की बात है सुंदर आज तक अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटाए, सबसे ज्यादा नंबर आएंगे तेरे। कैसे होगा ये सब, जादू से होगा क्या? जादू ही समझ, पर अभी नहीं, सही समय पर दिखाऊंगा मैं तुझे अपना जादू।
कचहरी जा रहा हूँ फाइल पे मोहर लगवाने। वैसे ज्यादा देर का काम तो नहीं है, जल्दी ही लौट आऊंगा। अरे सुगना, मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे रखने के लिए, उसमें से थोड़े खर्चे के लिए और आने जाने के लिए दे दोगी? घबराओ मत, घबराओ मत, अगली बार तुम्हारी दौलत पे नजर नहीं मारूंगा, दादी सा से ले लूंगा मैं। तुम्हें पता है माँ कहती थी कि पत्नी को कभी भी सारे पैसे अपने पति को नहीं देने चाहिए। अरे थोड़े तो रख लो, वैसे भी पति की पूरी जेब खाली होने के बाद भी काफी सारे खर्चे लगे रहते हैं, तब क्या करोगी? मुझे सिर्फ 1000 रुपए चाहिए। समय पर खाना खा लेना और आराम कर लेना। श्याम, श्याम, श्याम रुको, ये तो वही छोड़ी तुमने, बेकार इतनी दूर जाते हो, लौट के आना पड़ता। कर कर मैं हारा हर जतन, तेरी तड़प तेरी लगन, कर मैं हारा हर जतन, तेरी तड़प तेरी ही लगन। सुगना, मारी लाडो, बींद को नाम लेके ना बुलावे। बोलो। मास्टर जी, ये जगदीश बड़ा परेशान है। दरअसल हर साल कक्षा में अव्वल आता है, पर इस साल ज्यादा स्कूल ना आ पाया और ठीक से पढ़ाई भी नहीं की, और अब डर रहा है कि कहीं फेल ना हो जाए। क्यों रे, पढ़ाई क्यों नहीं की पूरे साल? कक्षा में तेरे दर्शन भी नहीं हुए। कहाँ कहाँ टीचर मारता फिरता था दिन भर? बोल। नहीं मास्टर जी, वो तो मैं इसके घर में बहुत तामझाम हुए, बेचारा घर के कामों में लगा हुआ था, पर मैंने इसको कह दिया है कि तू चिंता मत कर,
हमारे नए मास्टर जी बड़े दयालु हैं, वो तेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और बच्चों कैसी चल रही है पढ़ाई? मन लगाकर पढ़ रहे हो ना? जगदीश अब मैं भले ही तुम्हारी कक्षा को नहीं पढ़ाता पर तुम पर नजर रहती है मेरी। जैसे जैसे ऊपर की कक्षा में जाओगे पढ़ाई मुश्किल होते जाएगी पर तुमसे हमेशा ही अच्छे नंबरों की उम्मीद है मुझे। अरे आप चिंता मत कीजिए, इस बार भी ये कक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाएगा और ये जिम्मेदारी है मेरी, आप निश्चिंत रहें। जग गया, मन लगाकर पढ़ना, इस बार भी सबसे अच्छे नंबरों से पास होना है तुमको। तो बेटा अव्वल आना है ना, आ जाओगे? लेकिन लेकिन क्या मास्टर जी? देखो बेटा ऐसा है कि बिना चढ़ावे के तो भगवान भी आशीर्वाद नहीं देते मंदिर में, फिर इसने साल भर पढ़ाई तो की नहीं। चलो कोई बात नहीं, साल भर नहीं की कोई बात नहीं, लेकिन उसकी भरपाई तो बेटा करनी पड़ेगी ना, कुछ समझ रहे ना? करके ना, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए हर रोज एक पान लाऊंगा, अगर आप चाहे तो हर रोज दोनों पान लाऊंगा आपके लिए। अरे चुप कर भोले बालक, मरते हुए को दूध पिलाकर थोड़ी ना जीवन दान दिया जाता है। अरे बेटा दवाई दी जाती है महंगी महंगी, ऐसा करो पैसे का इंतजाम करो तो मुझे भी आसानी होगी तुम्हारा काम करने में, समझे? पैसे कितने मास्टर जी? बेटा ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000। 10,000 मास्टर जी? अपराध प्रवृत्ति के बालक अपने उद्देश्य को जाहिर नहीं करते, वे भोले भाले पैसे वाले बालकों से दोस्ती करके उनका शोषण करने के मौके तलाशते हैं।